हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल DRX दादा पर। दोस्तों आज हूं मैं पन्ना में और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं श्री प्राणनाथ जी खेजड़ा मंदिर को। इधर से हम लोगों ने एंट्री की हुई है और चलिए आगे अभी हम आपको दिखाते हैं श्री खेजड़ा मंदिर और जानते हैं खेजड़ा मंदिर के इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हैं श्री खेजड़ा मंदिर के गेट पर और ये देखिए ये जो गेट है मेन गेट है श्री खेजड़ा मंदिर का और ये पन्ना शहर की जो मेन रोड है वो उसके इसी के जस्ट किनारे ही है मंदिर। अभी हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं खेजड़ा मंदिर पूरा। दोस्तों पन्ना शहर जो है वो श्री प्राणनाथ जी ने अपने परम शिष्य श्री छत्साल महाराज के सहयोग से बसाया था। दोस्तों खेजड़ा मंदिर जो है वो गुम्मट जी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो मंदिर है ये सन 1686 में बना हुआ था। दोस्तों पहले यहाँ पर मंदिर नहीं था, यहाँ पर एक खेजड़ा पेड़ था और पेड़ के नीचे श्री प्राणनाथ जी चबूतरे पर बैठकर कुछ सुंदर साथ के साथ चर्चा करते थे। दोस्तों एक बार यहाँ पर महाराजा छत्रसाल आए थे और उन्होंने श्री प्राणनाथ जी से कहा था कि हे धामधनी, मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना तोप खाने के साथ यहाँ चढ़ाई कर रही है। दोस्तों यह बात सुनकर प्राणनाथ जी मुस्कुराए थे और बोले थे ये तो शुभ समाचार है क्योंकि आज विजयदशमी का दिन है और इसी दिन अभिमानी लंकापति रावण का सर्वनाश हुआ था और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी विजय अवश्य होगी। दोस्तों यहीं पर श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को एक चमत्कारी तलवार और पान का बीड़ा दिया था और कहा था कि आज तुम्हारा घोड़ा जितने भूभाग घूम लेगा वह भूमि हीरा प्रसवनी हो जाएगी। और उस दिन श्री छत्रसाल जी ने पन्ना की 27 कोस जमीन का चक्कर लगाया था जहाँ पर आज भी पन्ना में हीरा निकलता है और इसीलिए पन्ना शहर को हीरो का शहर कहते हैं। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित ही श्री छत्रसाल महाराज जी को तलवार दी पथ विजय का दिखाया। जो थे विधर्मी बने दुष्ट उनको जंग में हरा धर्म अपना बचाया। श्री प्राणनाथ हो, श्री प्राणनाथ श्री राज क्षमा के जाग निरास का दर्शन करा। दोस्तों मंदिर में आप दर्शन करिए श्री प्राणनाथ खेजड़ा मंदिर के श्री राज जी के श्री धामधनी जी के। दोस्तों इस मंदिर में आज भी शरद पूर्णिमा के उत्सव में हजारों सुंदर साथ के उपस्थिति में जो पन्ना शहर के राजा हैं वर्तमान में उनको तिलक कर बीड़ा और तलवार भेंट की जाती है। दोस्तों इसके बाद ही श्री छत्रसाल जी को उस युद्ध में अप्रत्याशित विजय मिली थी। दोस्तों इस स्थान पर ही महाराजा छत्रसाल को धन यश और बल की प्राप्त हुई थी और आज भी मान्यता है कि इस मंदिर में आकर अगर हम मन से और जो सेवा करता है उसे हर प्रकार का सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों यहीं पर जब शरद पूर्णिमा का उत्सव होता है तो इधर चारों तरफ सारा कार्यक्रम होता है। इस समय यहाँ पर जंगल दिख रहा होगा आपको, लेकिन तब साफ सफाई हो जाती है सारी। दोस्तों पन्ना सीरीज की और भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।